हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू। वीडियो का टाइटल है बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल हुए खेसारी लाल यादव, हिंदूज को लेकर दिया बड़ा बयान। पद यात्रा थी बाबा बागेश्वर धाम के लिए, तो वहाँ पे खेसारी लाल यादव ने कोई बड़ा बयान दिया है। तो देखते हैं कि हिंदूज को लेकर उन्होंने क्या कहा। जल्दी जल्दी हमें वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। पहले हम एमपी को जानते थे, ठीक है, बट आज बागेश्वर धाम पहले आता है, एमपी बाद में आता है। समाज में अगर आप हैं तो जब आप चलते हैं ना, तो किसी के जात धर्म पूछ के किसी गाड़ी में नहीं बैठते। जात धर्म पूछ के हम कहीं मिठाई नहीं खरीदते, जात धर्म पूछ के हम कपड़ा नहीं खरीदते। बाबा बागेश्वर की 9 दिन चलने वाली 160 किलोमीटर की यात्रा में देश दुनिया के तमाम लोग आ रहे हैं। साथ में इस वक्त अगर मैं कहूँ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी भी है। खेसारी लाल जी, मंच पर आपके हजारों की भीड़ रहती है, लाखों की भीड़ रहती है, बाबा बागेश्वर के मंच पर भी आपने भीड़ देखी है, लेकिन इस बार पहली बार बाबा बागेश्वर जब चल रहे थे सड़कों पर जो भीड़ का रेला देखा, क्या उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे खेसारी लाल यादव? देखिए, वो लोगों के जो बाबा के प्रति श्रद्धा है, वो भाव है, वो दिखता है। और कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं वो खुद के लिए नहीं होती कभी। ठीक बात। इनको खुद को बड़ा नहीं करना है, अपने राष्ट्र को बड़ा करना है, अपने देश को बड़ा करना है, अपने भारत को एक करना है। तो जब संकल्प आपका खुद के लिए नहीं समाज के लिए होता है, तो समाज की बातें समझ में तो आती है कि हाँ हमारे लिए है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये बातें उस सबको समझ में तो आती होगी। हाँ, जो ना समझ है उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी, तो उसको समझाने का कोई मतलब है नहीं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि देखा देखी पुण्य होता है और पाप भी देखा देख के ही होता है। तो ये जो संकल्प है बाबा का, आज मुझे लगता है कि 50 लाखों भीड़ थी और उसमें मेरा कार्यक्रम और शुरुआत में श्री गणेश मेरे से हुआ, मेरे कार्यक्रम से हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे वो सम्मान दिया। और बस उनका आशीर्वाद ही पाने के लिए मैं कभी भी जब भी आता हूँ तो मुझे एक, मैं कभी लगा नहीं कि मैं एक संत से मिल रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक ऐसे धर्म से मिल रहा हूँ जिस धर्म की हम सबको जरूरत है। क्या बात है। आपने ये भी कहा मन से, हिंदुओं की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कैसे? नहीं, पहले हम एमपी को जानते थे, ठीक है, बट आज बागेश्वर धाम पहले आता है, एमपी बाद में आता है। ये कर्म ही तो है बाबा का। आपके कर्मों से आपको अगर दुनिया जानने लगी और आपकी धरती को आपके कर्मों से दुनिया जानने लगी, तो सबसे बड़ा कमाई तो आपकी वही है कि मैं एक धरती पे एक गांव में पैदा हुआ, एक माँ के कोख से पैदा हुआ, और आज जिस मिट्टी पे पैदा हुआ उस मिट्टी को मेरे वजह से दुनिया जान रही है। तो उस फल के लिए तो सबसे बड़ा लाभदायक है कि उस मिट्टी को भी उस फल की वजह से जाना जाता है और एक फल की तरह। और मुझे नहीं लगता कि ये खुद के लिए बने हैं, मुझे लगता है समाज के लिए बने हैं। और जो समाज के लिए बन जाता है ना, उससे बड़ा महापुरुष धरती पर तो कोई नहीं होता। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है ये हिंदू राष्ट्र की बात? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, एकता की बात है। ठीक बात। और इसमें जात पात धर्म कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम अगर एक रहेंगे तो दुनिया में, मुझे नहीं लगता हमें तो कोई तोड़ सकता है। जी। 10 लाठी एक की बोझा होती है। जी। तो 10 लाठी अगर एक साथ हो जाए तो किसी को तोड़ना उठाना भी कष्टदायक हो जाता है। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, एक लाठी को कोई भी हरा सकता है, बट 10 लाठी एक साथ हो जाए तो ना उसको कोई तोड़ सकता है ना ही उठा सकता है। तो एक लाठी की तरह ही, और हमारी मजबूती हमारी एकता ही है। अगर हम एकता के साथ रहेंगे तो हमें अपने देश के लोगों से नहीं लड़ना है। हम इस देश के बाहर जो चीजें हैं हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति जो गलत चीजें हो रही हैं, हम उससे भी लड़ सकते हैं। तो एकता का मतलब ये नहीं हुआ कि हम देश के लोगों से लड़ना है, हमें देश के लोगों से नहीं लड़ना है। हमारी जो विरोधी है, हाँ, जो हमारे देश में विरोधी है वो हमारे देश के है ही नहीं, बिल्कुल, तो उनसे तो आजीवन आपको लड़ना है। आपने सुना होगा पॉलिटिशियंस भी लगातार बात कर रहे हैं, बचेंगे तो कटेंगे, या पीएम अब कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये जात पात से मिलता हुआ चीज़ क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि एक समाज के होने के बाद ना, मुझे नहीं लगता है कि जाति मायने रखती है और धर्म मायने रखता है। क्योंकि समाज में अगर आप हैं तो जब आप चलते हैं ना, तो किसी के जात धर्म पूछ के किसी गाड़ी में नहीं बैठते। जात धर्म पूछ के हम कहीं मिठाई नहीं खरीदते, जात धर्म पूछ के हम कपड़ा नहीं खरीदते हैं। तो जब एक मुस्लिम वर्ग का आदमी कपड़ा सिल के मुझे देता है तो पहनने में तो मजा आता है। हम ये पूछ के तो नहीं सिलवाते। एक हिंदू वर्ग का आदमी मटन बेचता है तभी हम खाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको खाना है वो खा रहा है। ठीक बात। ये हम धर्म पूछ के नहीं, धर्म भी नहीं देखना, धर्म देख के जात पात देख कर एकता की बात नहीं है। एकता किस लिए है? अपने देश को बचाने के लिए। ये एकता किसी को बांटने के लिए नहीं है।
बाबा का संकल्प शायद दुनिया को ये लगता होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाना नहीं है, बट हमें एक होना जो है हमारा, वो एक होना, जो एकता, जो देश के बाहर चीजें हो रही है, हमारे देश में गलत जो चीजें हो रही है, जो देश में गलत कर रहे हैं वो हमारे है ही नहीं, उनको जो भटके हुए हैं उनको रास्ते पे लाने के लिए संकल्प है, ताकि हम एक होकर किसी भी चीज का सामना कर सके। दो सवाल है, कुछ मौलाना भी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक यात्रा है, आपको ऐसा लगता है या बाबा की इस यात्रा से अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसा देश का माहौल बनने वाला है? नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब कि विरोध जिस चीज में नहीं है वो काम नहीं है सर। जिस काम में मेहनत नहीं और जिस काम का विरोध नहीं वो समाज के लिए हित में नहीं है। समाज के हित में जब आप कोई भी काम करिएगा तो विरोध आपका जायज है, क्योंकि हर आदमी सामाजिक नहीं है। लोग जो कुछ नहीं बने वो कुछ बने हैं उनको खोद के बनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जिसके घर में आम का पेड़ नहीं है ना सर, वो दूसरे के घर पे ही ढेला चलाता है, दूसरे के आम के पेड़ पे ही ढेला चलाता है। तो ये दुनिया का दस्तूर है, हमें उस पर विचार ही नहीं करना है कि वो क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारी एकता, हमारी जगह, हमारी अपनी पोजीशन, हमारी धर्म, हमारे लोग, हमारे अपने हैं, दुनिया क्या कहती है उसके लिए तो उसका काम है, वो दुनिया को सोचने दीजिए जो उसको क्या कहना है। अगर हम उस विषय पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने परिवार में भी सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार के लोग भी हमारे हमारी सोच से नहीं मिलते, उनका सबका अपना सोचने का तरीका अलग है। तो इसका मतलब हम परिवार छोड़ तो नहीं देते, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, जो हमें बुरा बोल रहे हैं वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, आज बोल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जो कल से वही लोग जो संकल्प हमारा है ये उनका हो सके, तो कोशिश। आखिरी बस आपसे ये है कि मैंने गाना सुना आपसे, क्या मधुर आवाज है आपकी, कहने की जरूरत नहीं, लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं बाबा के लिए, अगर दो पंक्तियां आपको सुनाना चाहेंगे। कि दिल से धीरंदर मन से बागे स्वर धाम वाले हैं हम, सत्य सनातन राम वाले हैं हम, सत्य सनातन राम वाले हैं। बहुत ही प्यारे हमारे साथ है भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। रात के तकरीबन एक बज रहे हैं लेकिन मुस्कुराहट जो है वही मुस्कुराहट है जिसके चलते हजारों लाखों जो भोजपुरी जो लोग हैं, हिंदी पहल के लोग हैं, वो उनके प्रशंसक है। और साफ तौर पर उनका मानना है कि बाबा बागेश्वर जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, दरअसल वो हिंदुओं का नहीं, वो एक समग्र है जिसमें कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मेहताब, इंडिया टीवी, गांवकड़ा, जिला छतरपुर से। तो जी बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था, और बागेश्वर धाम में जो हमारे बाबा जी हैं उनका और खेसारी लाल यादव का एक ही मानना है कि जो हमारे बाहर दुश्मन बैठे हैं हमें उनसे लड़ना है एकता के साथ। हमें कास्टिज्म नहीं करना है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। हम शॉप में कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, कुछ भी होता है, सिख ईसाई है ना, तो हम लेते हैं ना चीज़ें, ऐसा तो नहीं करते कि ये मुस्लिम है तो हम नहीं लेंगे। तो ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए, ऐसे हमें सोच भी नहीं बनानी चाहिए। जो बाहर के दुश्मन है हमें सब, हम इंडियंस को सबके साथ मिल के एक दूसरे के साथ, और बाहर वाले दुश्मन या जो हमारे दुश्मन इंडिया में पैदा हो रखे हैं ना उनसे लड़ना है, ना कि हमें कास्टिज्म के ऊपर लड़ना है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, आप लोग कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ, खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।